जितने नेता उतने मुंह उतनी ही सरकार है हिमाचल में, आखिर कौन आएगा सत्ता में, किसकी सरकार बना रहे हैं, रिवाज बदलेगा या जारी रहेगा। रिवाज बदल गया तब तो पता ही है, किंतु रिवाज जारी रहा तो मुख्यमंत्री कौन होगा। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों इन्हीं प्रश्नों का मौसम है, इन्हीं सवालों का रुत है। दिन रात जाकर मतदाता को मनाने और नारों में पंचम स्वर तक जाने वाले कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी अपने गलों को खकार कर कहते हैं, सरकार तो हमारी ही बन रही है, आप रिकॉर्ड कर लें, हम पर मतदाता को भरपूर भरोसा है। यानी जितने राजनीतिक लोग उतने मुंह पर बात, सबके एक सरकार बनाने का दावा, संभव है कि इनके पास बूथ स्तर तक का गणित हो। बातचीत में आम आदमी कई प्रकार की सरकारें बनाता है और कप में चाय समाप्त होने तक गिरा भी देता है। मुख्य चयनकर्ता मतदाता ही है, जिसका आदेश 8 दिसंबर को स्पष्ट होगा। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की हवा स्पष्ट नहीं, पर आत्मविश्वास का परिदृश्य यह है कि चंडीगढ़ के आईटी पार्क में बीसीसीआई के पूर्व मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा की 4 गेंदों का सामना करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मंगलवार को कहना था कि वह नॉट आउट रहे हैं। वह बलरामजी दास टंडन स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि थे। कांग्रेस के प्रत्याशियों में वरिष्ठतम ठाकुर कौर सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को चुनाव की रपट देने शिमला पहुंच गए। समीक्षा बैठक ही थी, पर आगामी कार्य योजना भी उसका अभिन्न अंग होती है कि केवल आम आदमी पार्टी इस अवस्था में नहीं है कि कोई दावा कर सके। कांग्रेस और भाजपा से छुपते होकर जितने प्रत्याशी निर्दलीय खड़े थे, उनका उत्साह अभी भी बैठा नहीं है। उन्हें आशा है कि मतदाता उन्हें इतना सम्मान अवश्य देगा कि पार्टियों से 6 वर्ष का निष्कासन उतना ही प्रभावी होगा जितना तंबाकू उत्पादों पर लिखी वैधानिक चेतावनी। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की हवा स्पष्ट नहीं है, मतदाताओं ने कर्तव्य को समझा। इस सबके बावजूद हिमालय ने एक गर्व इस चुनाव में कमाया, मतदान प्रतिशत में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का कर डाक मत पत्र गिरे जाने से पूर्व ही मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव में 75.56 के बजाय 75.6 हो गया है। संभावना है कि 77% तक पहुंच जाए, यह और बढ़ सकता है यदि सुशिक्षित सतर्क अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं वाले शहरी क्षेत्र के अधिक मतदाता घरों से निकले होते। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग के कहने का भाव यही है कि मतदान प्रतिशत और बेहतर होता यदि शिमला, कसुम्पटी, सोलन और धर्मशाला में अधिकाधिक मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग करने के कर्तव्य को समझा होता। यह विचित्र स्थिति है, 10,000 फीट में अधिक ऊंचाई पर स्थित 85 मतदान केंद्रों में तो मतदान का औसत राज्य के मतदान औसत के करीब रहा,